ओके गाइस, हियर वी आर विद द बॉलीवुड मैकनी। वी आर विद द रेगुलर, हमारे जो मूवी के जो रिव्यू देने वाले ऑटो वाले अंकल एंड फिल्मी सिकंदर, जो आज का मूवी लव आजकल के बारे में आपको बताएंगे। सर, आपको कैसे लगा ये मूवी? इतना जबरदस्त, इतना मानना पड़ेगा, इतनी ब्लॉकबस्टर फ्लॉप मूवी है कि मैं पहली बार इतना देखा कि ब्लॉकबस्टर ये जो फ्लॉप मूवी है, जो कि कभी ऐसा नहीं सुना था कि कोई फ्लॉप मूवी ऐसी भी होगी कि ब्लॉकबस्टर होगी। ये पूरी ब्लॉकबस्टर फ्लॉप मूवी है। तो मतलब ये मतलब इतना फ्लॉप मूवी है कि बच्चे लोग जो है अगर जो भी नहीं सीखे हैं तो ये मूवी में आके बैठ के सीख सकते हैं। ऐसा क्या ऑलरेडी नहीं नहीं वो हम नहीं बोल सकते, हम अभी ख़त्म है, हमारा वो दिन नहीं है। ये लव आजकल जो है बच्चे लोग का है, तो ये मीनिंग बराबर रखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है वो अभी पूरे पिक्चर में मुझे समझ में नहीं आया। और कार्तिक आर्यन जो है इनका जो है, इसके पहले जो मूवी आई थी अच्छी खासी जो है कलेक्शन की थी। क्यों की थी? उस पर दो मीनिंग है। पहली कि वो मूवी जो है संजू कुमार की रीमिंग मूवी पे वो मूवी बनाई गई थी, जिसमें कार्तिक आर्यन ने उसका डबिंग किया था। इसके लिए वो मूवी जो है चली और पब्लिक पसंद की और अच्छी खासी कलेक्शन भी की। तो अभी हर एक मूवी थोड़ी ना चलेगी यार। और इसके अंदर कितना ओवर एक्टिंग जो है सायरा अली खान ने किया, इतना ओवर एक्टिंग, अरे इतना नहीं चलता है। अभी रह गया ये है कि जो इसके अंदर किसिंग बिसिंग का जो बताया है, ये बच्चे लोग को बहुत मज़ा आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये टाइम छुट्टी का दिन है, बच्चे लोग का एग्जाम चालू है, ऐसा सुनने में आया मुझे, बच्चे लोग का एग्जाम चालू। क्यों? क्योंकि जब मैं मलंग का जो है अच्छा खासा मूवी है, मलंग खराब नहीं है, बहुत अच्छा लगा मुझे, और उसके अंदर अच्छा खासा जो है आदित्य रॉय का अच्छा काम है, मूवी अच्छी थी, लेकिन पब्लिक क्यों नहीं, तब मैं पता किया कि मालूम पड़ा कि बच्चे लोग का एग्जाम चालू है, तो उतनी अच्छी मूवी नहीं चली, तो ये मूवी कहाँ चलने वाली है? ब्लॉकबस्टर फ्लॉप बंडल। लेकिन सर, ये वैलेंटाइन डे के दिन पे रिलीज हुआ है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो नहीं सीखे वो सीखने को मिलेगा। आओ देखो, बैठो, एसी का हवा मिलेगा, और जो भी है मतलब कमियाँ रहेगी इसमें देख के पूरा हो जाएगा। वैलेंटाइन डे पे जोश आएगा आपको, गुलाब का लेकर के खड़े हो जाओ, फिर उसके बाद आपका लाइफ ख़त्म हो जाएगा, फिर वो सामने वाले का लड़की का शादी हो जाएगा, शादी हो जाने के बाद आप जाके बोलोगे आई लव यू। ये स्टोरी इसके अंदर जो है एक हीरो जो है डबल हीरो का किरदार किया है, दो हीरोइने हैं। अभी इम्तियाज अली क्या सोच करके बनाए मुझे ये समझ में नहीं आया। हाँ, ये समझ में आया कि इसके अंदर जो इन्होंने दो चार ये बताया है, जो किसिंग बिसिंग का जो सीन उन बताए, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बच्चे लोग का पैसा, मतलब हम लोग बुढ़े लोग का पैसा वसूल हुआ है। तो सर, ये एक मिनट, बच्चे लोग का पूरा पैसा वसूल है, बुढ़े लोग का थोड़ा पैसा वसूल है। क्यों वसूल है मालूम है? क्योंकि हम लोग को है ना, जो कॉलेज के जमाने का ये दिन याद आ गया, मैं भी जो है एक गुलाब का फूल लेके गया था, तो मालूम पड़ा कि मालूम पड़ा कि ऑलरेडी उसका शादी हो चुका है, तो मुझे दिन याद आ गया ये पिक्चर देख के। लेकिन क्या है, हाँ दिन याद आ गया, लेकिन ये मूवी में जो है बच्चे लोग को बहुत पसंद आएगा। लेकिन मूवी जो है बहुत गलत टाइम पर रिलीज हुई है, इसके लिए इसका इससे बेहतरीन लव स्टोरी के लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं? फिल्मी सिकंदर, जरा आपसे थोड़ा कमेंट चाहते हैं। मैं तो ये बोलूँगा आपको, वैलेंटाइन डे अगर आपको मनाने का है तो ये मूवी देख के मत मना, इससे अच्छा आप बीच घूम लो, वेनिस टाइम जाकर थोड़ा टाइम पास कर लो, मूवी मत देखो आपका। मतलब कुछ मिलने वाला है नहीं। देखो, अभी लव आजकल आई थी मूवी सैफ अली खान की। हाँ, मैं उस बारे में भी आपसे 2009 की 2009 में सैफ अली खान आया की मूवी आई थी, इनके डैडी ने किया, डैडी ने किया था। तो उनकी डैडी और इस मूवी में क्या कंपैरिजन आपको लगा? बहुत कंपेयर नहीं, जमीन आसमान, जमीन आसमान का फर्क है। वो मूवी जब आई थी ना बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी मूवी, और जब ये आई है ना ऑडियंस दिख नहीं रही है। तो मतलब इम्तियाज अली फेल हो गए, और 3 साल से तमाशा, जब हैरी मेट से जाए एक में पास है, जो बच्चे लोग जो है नहीं सीखे वो सीखेंगे। अभी कॉन्टेक्ट अगर आप बात नहीं, देखिए अभी वो अंकल अंकल अभी बात कर रहे हैं, किस को लेकर अगर आप बात कर रहे हैं, अगर कॉन्टेक्ट अगर किस ही रहता तो आज भी इमरान हाशमी हिट होते। हाँ, मर्डर किस, हर चीज नहीं है। हाँ, सही के अंदर किस से ऑडियंस नहीं आती है मूवी में, क्या इनकम्प्लीट लग रहा है? लव आजकल का
थोड़ा जो सैफ अली खान की लव अचल थी ना, थोड़ा आपको फीलिंग उसी लगी, क्योंकि थोड़ा सेम मतलब कि 60% सेम स्टोरी डाले मिला के। लव आजकल में भी उनके 50, 60, 40 के लव पास पर्सन दिखाते हैं, उसमें भी पास पर्सेंट बताते हैं, मतलब भी बहुत कुछ सीखना है डैडी से, एक्टिंग में बहुत कुछ सीखना है बराबर, क्योंकि दूसरा भी बनाना है ना। ओके सो आप ये मूवी को कौन सा एक्टर आप इसमें ज्यादा आपको पसंद है, सारा अली खान का लव स्टोरी या 90s के लव स्टोरी? रणदीप हुड्डा का स्टोरी अच्छा लगा, अच्छा लगा काम रणदीप हुड्डा। हां उनका जो है एक्टर वो अच्छे है, वो अच्छा हो गया। इम्तियाज अली का थोड़ा मतलब है उनको, उनके ऊपर नज़र चली गई और उन्होंने इसमें। और सॉन्ग के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सॉन्ग जो है लास्ट में जो भरा ना, जो जो हम लोग जो है ना सो गए थे जब वो, जब वो हम लोग नाक का जब ये हुआ ना, उन लोग सो रहे थे जब वो नाक का म्यूजिक आया ना, हाँ 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 उस पर जरा हम लोग नाचे उचे थे, थोड़ा मेरे को अच्छा लगा। तो रेटिंग देना चाहेंगे? रेटिंग इसके लिए मैं 0 दूंगा, ब्लॉक बूस्टर 0। हाँ और जो है रणदीप हुड्डा जो है वो क्या, रणदीप हुड्डा बेस्ट एक्टर, जबरदस्त। इम्तियाज अली ने ये अच्छा काम किया है, काबिले तारीफ है काम, उन्होंने थोड़ा बहुत जान डाला है, इसके लिए उनको मैं 2 स्टार दूंगा, 2 स्टार दूंगा रणदीप हुड्डा को, वो लोग के लिए कोई स्टार नहीं। और ये ओवर एक्टिंग सायरा अली खान का ओवर एक्टिंग, और जो कार्तिक आर्यन है अभी उभरते स्टार हैं, थोड़ा बहुत मेहनत करने दो, स्टार विस्टार सब मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। सिकंदर जी आपका रेटिंग क्या है? ये देखिए ये 0 दिया है, मैं 4-0 दूंगा। मैं रणदीप हुड्डा को ही 2 स्टार दूंगा, बाकी उसमें जो एक डेवी की है ना शर्मा, आयुष शर्मा करके, हाँ तो उनका कुछ काम अच्छा लगा तो उनको भी 2 स्टार दूंगा। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एंड गिविंग अ